वास्तव में जम्मू कश्मीर का सिर्फ इतना हिस्सा ही हमारे पास है जो यहाँ पे आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना हिस्सा हमारे पास है। ये जो ऊपर हरे रंग में है, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इसके ऊपर, और जो यहाँ पे है ये इसको अक्साई चीन बोलते हैं, और ये चाइना के पास है। यहाँ पे कुछ एक ऊपर छोटा सा हिस्सा है, ये भी चाइना के पास है, आप इसे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोल सकते हैं। तो ये एरिया चाइना के पास है, ये वाला एरिया भी चाइना के पास है, और ये हरे रंग वाला जो एरिया है जिसमें ज़्यादातर गिलगित बल्टिस्तान का एरिया है, ये भी पाकिस्तान के पास है। इन दोनों एरियाज़ के बीच में, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड, इन दोनों के बीच में जो ये गुलाबी रंग में एरिया है, ये है सियाचिन। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सियाचिन हमारे हाथ से चला गया तो ये दोनों एरिया आपस में एक हो जाएंगे, और तब हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है, ये है भारत का राज्य। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, ये राज्य है। कौन सा राज्य है ये? जम्मू एंड कश्मीर। इसमें 22 जिले हैं टोटल, ठीक है। तो ये एक जम्मू कश्मीर की संरचना आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं आप, ये जो एरिया है, ये सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको, और ये है अक्साई चीन। अब जो ये जम्मू कश्मीर राज्य है, इसको देखते हैं, ये इसके अंदर क्या क्या है। तो 22 जिले हैं, सबसे बड़े तीन जिले कौन से हैं? सबसे बड़ा जिला है ये जो यहाँ पे मैंने कलर किया हुआ है, इसको बोलते हैं लेह, लेह डिस्ट्रिक्ट। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है कच्छ के बाद। कच्छ है गुजरात में, तो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से है लेह, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा है ये जिसको हम बोलते हैं कारगिल, लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, और लेह है लगभग 45,000 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा सबसे बड़ा जिला है जम्मू कश्मीर का ये, जिसे बोलते हैं किश्तवाड़, और बाकी फिर और हैं ये सारे यहाँ पे, तो टोटल है 22, यानी कि 22। जम्मू कश्मीर में तीन डिवीजन है, एक तो है जम्मू डिवीजन, एक है कश्मीर डिवीजन, और एक है लद्दाख डिवीजन। तो ये लेह है और ये हो गया कारगिल। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये सियाचिन है, ये वाला एरिया सियाचिन, और ये जो है ये है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी चाइना के पास है। ट्रांसकाराकोरम का पार्ट, ये भी चाइना के पास है, ये भी चाइना का है, और ये पाकिस्तान के पास है ये पूरा। यानी कि लेह, कारगिल और ये बाकी जो 20 जिले हैं। अब जो नया नया पुनर्गठन विधेयक आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें कारगिल और जो लेह डिस्ट्रिक्ट है, इनको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, इसका नाम होगा लद्दाख, राइट। हम इसको लेह लद्दाख क्यों बोलते हैं? लद्दाख एक पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख एक माउंटेन रेंज है, और लेह जगह का नाम है, लेह डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो कारगिल और लेह अब ये मिलके एक हो जाएंगे और मिलके बना देंगे लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी होगी। इसका बाकी के जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं होगा, ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन यूनियन टेरिटरी होगी। और जो ये बाकी 20 जिले हैं, ये बाकी जो 20 जिले हैं, इनको मिला के एक नया यूनियन टेरिटरी बनेगा, जो होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये मैप दिखाता हूँ, तो ऐसा दिखेगा जम्मू कश्मीर का मैप। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ ये वाला एरिया है, अभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं जो पाकिस्तान और चाइना के पास एरिया है। तो ये ऐसा दिखेगा भारत का मैप, यानी अब ये राज्य नहीं रहा, ठीक है। अब ये क्या है? ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यानी भारत में अब तक 29 राज्य थे और 7 थे यूनियन टेरिटरी, लेकिन अब चेंज हो जाएगा, अब हो जाएंगे 28 राज्य, क्योंकि एक राज्य जम्मू कश्मीर कम हो गया है, और यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे 9, क्योंकि दो नए यूनियन टेरिटरी बने हैं, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बाइफरकेशन के बाद ये दो नए बने हैं यूनियन टेरिटरी, तो एक यूनियन टेरिटरी होगा विद लेजिस्लेचर और एक होगा विदाउट लेजिस्लेचर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, विद लेजिस्लेचर मतलब जिनके पास विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे भारत में अगर हम बात करें, अभी तक 7 यूनियन टेरिटरी थे, तो हर यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री नहीं होता, सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी में होता है। और वो क्यों? क्योंकि इनके पास विधानसभा है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं और पांडिचेरी में वी नारायण स्वामी हैं, तो मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वहां पे विधानसभा होती है। तो विद लेजिस्लेचर मतलब इनके पास विधानसभा होगी। तो जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा होगी, यानी जम्मू कश्मीर का जैसे अब तक मुख्यमंत्री बनता आया है, वैसे ही बनता आएगा। लेकिन लद्दाख के पास अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं होगा, यानी लद्दाख को कौन रूल करेगा? गवर्नर, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, जो बाकी यूनियन टेरिटरीज को जैसे कंट्रोल करता है। जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इनमें मुख्यमंत्री नहीं होता,
इनके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रूल करता है। तो लद्दाख को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करेगा और जम्मू कश्मीर को रूल करेगा मुख्यमंत्री, जैसे अब तक होता है। तो ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा अब इंडिया का मैप, जो जम्मू कश्मीर, जो नॉर्थ का मैप है, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। तो इसमें कितने कितने जिले आएंगे? जम्मू कश्मीर में आएंगे 20 जिले, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके नाम। और लद्दाख में आएंगे 2 जिले, यानी एक तो लेह और एक कारगिल। ये वाला जो हमने मैप दिखाया था आपको, ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर है, आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए इसके अंदर, तो कारगिल भी अब इसमें आ जाएगा लद्दाख में, और ये 20 अब एक हो जाएंगे। तो वास्तव में ऐसा दिखेगा आप जम्मू कश्मीर का मैप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। देखते